गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है जीके बुक का। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ लिटरेरी कमेटी फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। सब स्टेशन रिसीव्ड रुपीज 1100, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज 380, इनकम फ्रॉम लेक्चर्स 2320, रेंट पेड 210, सर्विस एक्सपेंसेस पेड रुपीज 100, एडवर्टाइजमेंट रुपीज 210, प्रिंटिंग रुपीज 125। द कमेटी ओन्स 4% 10-day बॉन्ड्स ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रुपीज 1000 ईच, रेंट रुपीज 80 एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस रुपीज 95 वेयर आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर क्लब का नाम लिखेंगे, लिटरेरी कमेटी। लिटरेरी कमेटी, उसके नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर उसके नीचे फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड पे यहां पर इनकम रिमोट के कॉलम में नोटिस के साइन आते हैं। सबसे पहले लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो ये इनकम है, तो इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव है 1100, जिस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया डायरेक्ट बाहर। सब्सक्रिप्शन के बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी इनकम होती है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो रिसीव है वो 380, नीचे एडजस्टमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा 4% 10-day। तो पहले हम निकालेंगे यहां पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 380 के अंदर ही दे देंगे और यह कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब देखिए यहां पे जो 4% बोर्ड या डिबेंचर दे रखे हैं वो 1000 वाले 10 है, यानी टोटल 10,000 के बोर्ड है, पर इस पे जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो कितना होता है चेक कर लेते हैं। 10,000 का 4% क्योंकि 4% है बोर्ड, तो ये इंटरेस्ट आ रहा हमारा 400। जबकि यहां पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रिसीव कर रहा है भाई, यहां पे जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो 380 है, तो 20 रुपीज यहां पे हमको एक्रूड इंटरेस्ट आ गया करंट ईयर का, और एक्रूड इंटरेस्ट जो होता है वो प्लस हो जाता है क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड है, तो एक्रूड इंटरेस्ट 20 रुपीज प्लस करेंगे तो बाहर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारा 400। एक बार पीछे कर लेना, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 380 अंदर ही लिखेंगे। हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया, 1000 के 10 बोर्ड है 10,000, 4% इंटरेस्ट रेट है तो इंटरेस्ट होना चाहिए 400, जबकि इंटरेस्ट कितना 380 है, इसका मतलब 20 रुपए का इंटरेस्ट लोन ले रहा है जिसको हम बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट, वो यहां पर प्लस हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट इनकम दे रखी है इनकम फ्रॉम लेक्चर्स, तो ये भी इनकम साइड में आएगा बाय इनकम फ्रॉम लेक्चर्स। और इनकम फ्रॉम लेक्चर्स क्वेश्चन में दिया है 2320। उसके बाद रेंट पेड को एक्सपेंडिचर साइड में टू रेंट पेड, रेंट पेड 200 के अंदर लिखेंगे क्योंकि इसमें नीचे आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है और ये आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है 80 रुपीज नीचे एडजस्टमेंट के अंदर, इसको प्लस कर देंगे 290। रेंट पेड के बाद में टू सन्ड्रीज एक्सपेंसेस, टू सन्ड्रीज एक्सपेंसेस और ये सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखा 100। सन्ड्रीज एक्सपेंसेस के बाद में एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट और टू एडवर्टाइजमेंट 210। उसके बाद में है टू प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, तो ये टू प्रिंटिंग एक्सपेंसेस जो है वो 125 है, इसको भी आपने एक्सपेंडिचर में लिखा भी अंदर ही, प्लस इसमें भी आउटस्टैंडिंग आपको दे रखे और ये आउटस्टैंडिंग दे रखा 95, प्लस कर देंगे 220। अब हमने टोटल लगाया तो हमारा इधर का जो टोटल आ रहा है 3820, ये हमारा क्रेडिट एंड इनकम का टोटल है और डेबिट साइड का टोटल आ रहा हमारा 820। तो इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो ये 3000 रुपए का आपको सरप्लस हो गया, तो टू सरप्लस का इनकम और टू सरप्लस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर ही आपका 3000, टोटल हो गया 3820। ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट, एक बार फिर चेक कर लेना। सबसे पहले इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन आया, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट देखा, इसको अपन अंदर लिखा क्योंकि नीचे आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया, उसे एक रूप इंटरेस्ट निकाला, उसको प्लस करके बाहर निकले। बाय इनकम फ्रॉम लेक्चर्स, अब जो पेड के हमारे एक्सपेंडिचर है, टू रेंट पेड आउटस्टैंडिंग प्लस हो गया, टू सन्डे एक्सपेंसेस, टू एडवर्टाइजमेंट, टू प्रिंटिंग, इसमें भी आउटस्टैंडिंग दे रखा था प्लस कर दिया। अब हमने इनकम का टोटल लगाया 3820, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल लगाया हमारा 820, डिफरेंस है 3000, यानी इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम होता है तो बचत होती है, सरप्लस होता है, तो टू सरप्लस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर 3000, टोटल 3820, 3820। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। बस एक ही कैलकुलेशन में यहां पर अच्छे से ध्यान रखना था, जिसके अंदर हम भूल जाते थे, वो था आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन के अंदर दे रखा कि जो समिति है, जो सोसाइटी है, उसके पास में यहां पर 4% 10 बॉन्ड्स ऑफ नेशनल लाइब्रेरी, तो नेशनल लाइब्रेरी का बॉन्ड आपने कर रखा, इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट पे आप एक इंटरेस्ट निकालेंगे 1000 के 10 बॉन्ड्स से 10000, 4% इंटरेस्ट निकाला, 4 इंटरेस्ट है, उसमें से जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो उसको माइनस किया, तो एक भी इंटरेस्ट निकल के आ गया। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी गलती नहीं होगी, सिर्फ एक ही जगह आप गलती करेंगे, वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसलिए इस वाले पॉइंट पे अच्छे से ध्यान दें।